सुपर्णा गुप्ता साहब। बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करी रामदास सोरेन जी को आपके स्वागत के लिए। माननीय आदरणीय झारखंड सरकार के स्वास्थ्य परिवहन मंत्री माननीय दीपक बिरुवा जी, यहाँ पर शिलान्यास के कार्यक्रम रखी गई। आपके आपके संबोधन के लिए महोदय श्री मंगल कालिंदी जी भाषण सुनेंगे, उनका उनकी शुभकामनाएं लेंगे। जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं 14.80 करोड़ है, 111 योजनाओं का उद्घाटन, 71 योजनाओं का शिलान्यास और 111 योजनाओं का। झारखंड के जनता के हित में, चाहे दलित आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब गुरबा का हित में ये हमारी सरकार गठबंधन सरकार हर साहब इस तरह से काम किया। जो जंगल का बीच में जो गांव है, उस गांव के हर परिवार को, जनता को हम लोग सरकारी योजना को उसे पहुंचाने का काम किया। हर क्षेत्र में, चाहे युवा बेरोजगार, उनका हित में हम लोग जितना ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है, निजी कंपनी में एक कानून हम लोग बना लिया कि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा 75% निजी कंपनी में नियुक्ति देना अनिवार्य कर दिया है। ये महागठबंधन की सरकार एक कानून बनाया और उसको आप भी अभियान चलेगा। निजी कंपनी में यहाँ का आदिवासी का बेटा बेटी, यहाँ का किसान का बेटा बेटी, मजदूर का बेटा बेटी को तकनीकी शिक्षा जो प्राप्त किया है उसको हर हाल में प्राथमिकता देना होगा। ये सरकार की सोच है। उसी तरह हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में छात्रवृत्ति को हम लोग बढ़ा दिया, एक गुना दो गुना नहीं 3 गुना, सभी समुदाय के लिए किसी प्रकार के भेदभाव नहीं। विदेश तक यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित का बेटा बेटी, यहाँ का अल्पसंख्यक का बेटा बेटी विदेश तक हम लोग फ्री हम लोग पढ़ने भेज दिया है। 125 यूनिट बिजली हम लोग फ्री दे रहा है। हमारा सरकार फिर उसको उसको आधार को बढ़ाते हुए 200 यूनिट तक बिजली हम लोग मांग पाने जा रहा है, क्योंकि कोई भी गरीब परिवार बिजली से दूर नहीं रहे। 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री हम लोग देने जा रहे हैं। और उनके बाद तालियां होती रहे दिलीप सिंह एवं माननीय वीर शहीद अबुआ आवास योजना, इनके बाद सुनीता कालिंदी सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना सर्वजन पेंशन की सुकर विकास योजना